सात जन्मों का बंधन माने जाने वाले विवाह की उम्र दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जी हां, अग्नि को साक्षी मानकर मरते दम तक साथ निभाने की कस्में खाने वाले जोड़े साल भर में ही साथ नहीं रह पा रहे हैं। दंपतियों में विवाद के मामले इस कदर बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करनाल के महिला थाने में प्रतिदिन 3 से 4 मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों के निपटान के लिए करनाल में 2 परिवार न्यायालय भी बनाए गए हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि थाने अथवा न्यायालय में पहुंचे ऐसे मामलों में जोड़ों की शादियां मात्र 2 से 5 वर्ष ही हुई है। इनमें कुछ मामले ऐसे भी हैं जो यह बता रहे हैं कि वह शादी कुछ महीने बाद से ही अलग हो रहे हैं। कई बार समझौते की पहल की लेकिन बात नहीं बनी, इसीलिए अलगाव चाहते हैं। इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश चावला का कहना है कि कम समय में तलाक का सबसे बड़ा कारण है अहंकार, इससे दरारें बढ़ती चली जाती हैं। उन्होंने बताया कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन अभिमान की बुनियाद पर रिश्ते नहीं बनते। यदि पति पत्नी के बीच में तकरार है तो बड़ों का फर्ज है कि वह विवाद को दूर करने का प्रयास करें। छोटे छोटे बातों से परेशान जोड़े एक दूसरे की शिकायतें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आजकल के युवा शादी को सामान्य रिश्ता समझते हैं। थोड़ी सी असहजता महसूस होने पर एक दूसरे का समझाने के बजाय रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लेते हैं। कुछ मामलों में इस बात की परवाह भी नहीं करते कि समाज क्या कहेगा। उन्होंने बताया कि आज के जमाने में लोगों में व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, जिस कारण गुस्सैल प्रवृत्ति बढ़ जाती है। चावला जी, एक चीज पर जानना चाह रहा था मैं आपसे, आपको तो हमारे से ज्यादा ज्ञान है। पहले समय में कहा जाता था कि शादी 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन आज के समय में यह बंधन साल भर भी नहीं चल पा रहे और लगातार पारिवारिक मामले और मसले, मियां बीवी के बीच में तकरार, ये ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 1975 में वकालत के पेशे में आया और उन दिनों मैट्रिमोनियल अफेयर्स के मतलब केसेस, जिनको हम वैवाहिक संबंधी मामले कहते हैं, बहुत कम होते थे। और अगर कोई होता था तो वो पार्टी बड़ी छिप छिप के आती थी कि कभी हमें देख न ले कि हम कोर्ट में हमारा ऐसा केस चल रहा है। परंतु आज की स्थिति यह है कि हमारे करनाल में 8 से लेकर 12 हज़ार तक वैवाहिक मामले करनाल में पेंडिंग है। और 2 स्पेशल कोर्टें हैं, चल रही हैं फैमिली कोर्ट, 2 जिनमें डेली 150-200 तक केसेस लगे होते हैं। इनके पीछे जहाँ तक कारण है वो मैं ये समझता हूँ कि कारण एक तो एजुकेशन भी, ये नहीं कि एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। पहले क्या होता था कि एक धारणा हो जाती थी कि बेटी को कहते थे, बेटी जहाँ जिस घर से में तेरी डोली जा रही है वहीं से तेरी अर्थी उठनी चाहिए, और वो माँ बाप की बात को पले बांध लेती थी कि नहीं, मैंने तो हर हाल में यहीं एडजस्ट करना है और यहीं रहना है, क्योंकि उन समय अज्ञानता थी, अनपढ़ता थी। परंतु अब जैसे जैसे शिक्षा स्तर बढ़ रहा है, 21वीं सदी आ रही है, और अब तो टेलीविज़न का और मोबाइल का और कंप्यूटर का युग आ गया, तो उसमें लोगों मतलब दोनों पक्षों में जागृति ज़्यादा आ रही है। और जहाँ तक मैं मेन जो इसमें कारण समझता हूँ, वो एक तो सहनशीलता की कमी जो है ना, वो मुख्य कारण है। दूसरा, ये जो टेलीविज़न के ऊपर धारावाहिक आते हैं ना, ये भी उसके लिए ज़िम्मेवार हैं। हमारा ये नेटवर्क, हमारा सोशल मीडिया, हमारे आपका मोबाइल, ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं। पहले गांव में क्या होता था कि जब लड़की का पिता अपनी लड़की के गांव में जाता था तो वहाँ गांव का पानी तक नहीं पीता था। वो उसके पीछे धारणा ये थी कि उसको अपनी बेटी के पास बैठने का इतना भी समय ना मिले कि वो बेटी कहीं अपने ससुराल का या पति का कोई गिला करे। परंतु आज इस मोबाइल ने इतना नज़दीक कर दिया, जब विदेश में बैठी है बेटी या देश में बैठी है, अपने घर वालों को नहीं पता होता कि घर में सब्जी क्या बनी है या लड़की क्या कर रही है, परंतु उसके माँ बाप के यहाँ पता होता है कि उसके घर में क्या चल रहा है। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एजुकेशन आ गई। पहले लड़कियाँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, 5 तक पढ़ी होती थी, और एक ख़ास तौर पर ये होता था कि बस उसे अपनी चिट्ठी लिखनी आ जाए। और आज तो लड़कियाँ पढ़ाई में बहुत आगे हैं, हर एक मामले में, बहुत लड़कों को भी कई मामलों में उन्होंने पछाड़ दिया है, और उनकी एक्सपेक्टेशन ससुराल में जाकर ज़्यादा हो जाती हैं, जो नहीं पूरी हो सकती, ना होती हैं ना हो सकती, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में थोड़े दिन शादी के बाद रंग ढंग बदले मिलते हैं, उसके बाद वही पुराना डरा, वही संयुक्त परिवार होता है। फिर वो देखते हो, मैंने तो इतने सपने संजोए थे
और वो मेरे पूरे नहीं हो रहे तो वहाँ खाई चौड़ी होनी चालू हो जाती है, तो मुख्य कारण ये। चावला जी, ऐसे दंपत्ति जो तलाक के मामलों को लेकर न्यायालय में आते हैं, उनके बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, उनकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? वैसे असली जो सफर करते हैं ना वो उनके बच्चे करते हैं। मतलब देख कर देखो, हम कभी लड़की के वकील होते हैं, कभी लड़के के वकील होते हैं। कोर्ट में जब देखते हैं कोई लड़की आई होती है, कभी 6 महीने का बच्चा गोद में ले रही होती है, दूध पिला रही होती है, साल का 2 साल का, और बच्चे सवेर से बैठ के शाम तक अपनी माँ के साथ बैठते हैं, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उनके ऊपर क्या बीतेगी। और वो पिता जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो माता जिसने उसको जन्म दिया है, जब उनमें आपस में मतभेद आ जाते हैं, कोर्ट केस आ जाते हैं, तो बच्चों की तरफ भी देखना पसंद नहीं करते। मेरे पास पीछे केस आया म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का, उसमें 21 साल की लड़की थी, 19 साल का लड़का था, तो तय उनमें ये हुआ कि लड़की माँ के पास रहेगी और लड़का बाप के पास रहेगा। बाप करनाल था और उसकी माँ दिल्ली में थी। जब वो सेशन जज साहब, उन दिनों फैमिली कोर्ट नहीं थी, उनके यहाँ तलाक की वो गई, उन्होंने उनसे पूछताछ की, तो वो कहने लगी आपका थोड़ी तलाक हो रहा है पति पत्नी का, आप तो इस भाई और बहन का तलाक करा रहे हो, इनको जीवन में हमेशा एक दूसरे से दूर कर रहे हो। तो बच्चों की पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी मनोस्थिति पे भी पड़ता है, उनके सामाजिक ग्रोथ पे भी पड़ता है। सर, आप अब समाज को या ऐसे मामलों को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले तो घर को चलाने के लिए सहनशीलता होना अति आवश्यक है, एडजस्टमेंट करके उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, तभी ये वैवाहिक गाड़ी चल सकती है, वरना नहीं चलती। धन्यवाद चावला जी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।